दिल की सफाई चाहते हो तो आँख जहाँ से बंद रखो, यही वो रास्ता है जहाँ से गुबार अंदर आता है। नेकी करने में देर ना करो और बदला लेने में जल्दी ना करो। खुदा सबसे ज़्यादा गनी है, इसके होते हुए इंसान को फिक्र नहीं करनी चाहिए। इल्म का फ़ायदा तीन बातों में है, वरना ये बेकार है। दुनिया से मोहब्बत ना रख कि ये मुसलमान का घर नहीं। शैतान को दोस्त ना रख कि ये मुसलमान का रफीक नहीं। किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना दे कि ये मुसलमान का शेवा नहीं। जो शख्स एहसान करे इसे चाहिए कि चुप रहे, लेकिन जिस पर एहसान किया गया हो इसे बोलना चाहिए। लोग चार बातों को ज़बान से मानते हैं, लेकिन अमल इसके खिलाफ करते हैं। कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं और अमल आज़ादाना करते हैं। कहते हैं अल्लाह हमें रिज़्क देने वाला है, मगर दिल से मुतमईन नहीं रहते। कहते हैं आखरत दुनिया से बेहतर है, मगर दुनिया के लिए दिन रात माल जमा करते रहते हैं। कहते हैं हमें ज़रूर एक दिन मरना है, मगर अमल ऐसा करते हैं गोया मरना ही नहीं। किसी ने कहा बाज़ार में गोश्त बहुत महंगा हो गया है, फरमाया तवज्जो ना दो और खाना तर्क कर दो, खुद ब खुद सस्ता हो जाएगा। खुदा की खुशनूदी चार बातों में है, जितनी रोज़ी मुयस्सर हो इसमें इत्मीनान रखो, काम में इखलास रखो, बुरी बातों से नफरत रखो, मर्ग की तैयारी रखो। जब किसी बर्तन में कोई चीज़ डाल दी जाए तो वो भर जाता है और इसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं रह जाती, लेकिन इल्म का बर्तन कभी नहीं भरता। यानी इंसान सीना इसमें जितना इल्म डालो ये इतना ही फराग होता जाता है।